घर पे मोमोज खाने का एक अलग ही मजा होता है। सो हम हमेशा पैक करवा के लाते हैं और घर पे ही खाते हैं। आप देख रहे हैं ना किस तरह से कौन कौन इस तरह से और ईटिंग करता है मोमोज, आई मीन चटनी लवर कौन कौन है, तो कमेंट बॉक्स में बताना गाइस। एंड वेलकम बैक टू माई चैनल, आई होप यू आर क्वाइट वेल। सो चलिए फटाफट से फिनिश करते हैं मोमोज को। एंड मेरे फ्रंट में जो बैठी है वो मेरी कजिन सिस्टर है, जो कि इस तरह से हाथ धो के चटनी के पीछे पड़ गई है। सो गाइज, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा क्योंकि आगे बहुत कुछ होने वाला है। सो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, एंड साथ में लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। सो वी कंटिन्यू गाइज। सो अब मैं जा रही हूँ अपना सूट कटिंग करने, और ये वाला सूट मेरा आपने काफ़ी टाइम पहले देखा होगा, सालों पहले ही मैंने परचेज्ड किया था, जो कि मुझे नीड नहीं थी, इसलिए मैंने ना ही कटिंग की थी ना ही स्टिचिंग। सो फाइनली आज उसका दिन आ गया है और अब मैं चल रही हूँ इसको कट 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 करने। पर पता है मज़े की बात ये है ना, मैं इसे अभी रेडी तो कर लूँगी बट मुझे वियर नहीं करना है, इसे मैं वियर करने वाली हूँ 14th of November को एट इवनिंग। सो गाइज, इसमें कुछ इस तरह से डिज़ाइन बनी हुई है, बॉर्डर ये दुपट्टा है, बाकी सलवार। गाइज हमारा जो मिनी हैंड जूसर होता है ना, उसमें मैं चल रही हूँ अभी जूस निकालने, एक बार ट्राई करना है फर्स्ट टाइम कि उसमें निकलता भी है या नहीं, पूरे का हो पाएगा या बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। The next morning. सो गाइज वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल, और ये आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि आज इनकी लाइफ का दी एंड होने वाला है। ये सारे प्लांट जो हैं वो पूरे जड़ से आज कट जाएंगे, और अभी मॉर्निंग के नियर अबाउट 8 o'clock हो रहे हैं। सो यू कैन सी दिस, यहाँ मतलब ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे एंड सेकेंड फ्लोर तक पूरा ये पहुँच चुका है, और हम इसे कटने नहीं देते ना, बट दोनों साइड से है, इधर भी कुछ हैं तो और पूरा जड़ से कट जाएगा। वो इसलिए क्योंकि अब बाहर से पेंट वगैरह होना है तो मजबूरी है ना, कटवाना ही पड़ेगा क्योंकि ऐसे तो हो ही नहीं पाएगा। सो वेट एंड वॉच। सो गाइस, अभी मैं छत पे हूँ और आपको दिखाती हूँ ये पूरा प्लांट जो है वो जड़ से पूरा काट के फिर हमने ऊपर से खींचा हुआ है, नीचे से काट के फिर यहाँ से हमने खींचा है ऊपर से, और आप देख सकते हैं यहाँ इसे बांध करके खींचना पड़ा ताकि वो नीचे का ही वापस नहीं, और हाँ यहाँ से हमने खींचा है इसको ऊपर, तब जाके ये पूरा आ पाया है। और इसमें अभी फ्लावर वगैरह भी लगे हुए थे, और हमारे रूम का जो व्यू है बाहर से वो बहुत ही सूना सूना लग रहा है यार, मतलब बहुत ही बुरा लग रहा है। सो गाइस, अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना मिनी होम गार्डन, जिसमें बहुत सारे टाइप के प्लांट हैं छोटे छोटे, और हमने सबको एक साथ लाके आंगन में रख दिया है इनको नहलाने के लिए। अब कोर्स जिससे बारिश होगी तो ये अच्छे से साफ़ हो जाएंगे, और कुछ दिन ये यहीं पे रहेंगे ताकि मतलब कई बार बारिश हो और इनको पानी मिल जाए, फिर हम इनको इनकी जगह पे अच्छे से सेट कर देंगे। सो यू कैन सी दिस वन बाय वन। हे गाइज, लुक एट दिस बंच ऑफ फ्लावर्स, कितना ज़्यादा प्यारा सा कलर है ना इस फ्लावर का, मतलब बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, डार्क पिंक कह सकते हैं शायद, है ना, आपको कौन सा कलर लग रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो गाइज। और अब फिर मैं आपको लेके चलती हूँ क्यारी की तरफ, जहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे भी प्लांट हैं, अभी आपको वन बाय वन सब दिखाऊँगी। और यहाँ पे रेडिश आप देख सकते हैं कितनी सारी हैं, कितनी क्यूट क्यूट सी ना, और भी कई सारे यहाँ पे हैं गाइस, आपको दिखाती हूँ वन बाय वन। सी लुक एट इट, यहाँ पे भी आपको दो मिल जाएगी एक साथ, वाओ। एंड फिर यहाँ पे भी है, और आप इस साइड पे आएंगे तो यहाँ पे भी, सी यहाँ पे भी है, एंड आई थिंक यहाँ पे बीच में भी है शायद, हाँ यहाँ भी है यार। सी गाइस, यहाँ पे कई सारी हैं, और चलो मैं एक निकालती भी हूँ आज। पता है इस छोटी सी क्यारी में इतनी मूलियाँ हैं कि हमारे खाने भर बहुत है ना, और यहाँ पे पता है भिंडी भी होती है। एंड गाइस, फाइनली मैंने एक ले ली है लंच के लिए, अब मैं इसको लेके ऊपर चलूँगी, और पता है कितनी क्यूट सी है ना, अभी आपको दिखाती हूँ उस साइड में और क्या क्या चीज़ें हैं। और आप देख सकते हैं बस इतनी सी ही क्यारी है ना, इसमें हमारा जो मन करता है हम उगा लेते हैं। और यहाँ पे इस साइड में आप देखेंगे पुदीना है, और पुदीना, पुदीने की चटनी हम बहुत बनाते हैं,
पसंद है हम सबको, तो यहीं से यूज़ होता है। और उसके अपोजिट क्यारी के अपोजिट साइड में आपको ये रोज़ प्लांट दिखेगा, जिसमें दो टाइप के दिखेंगे आपको, वाइट रोजेस एंड रेड रोजेस। तो गाइस चलिए आपको वो भी दिखाती हूँ और क्या क्या चीज़ें हैं वो सब दिखाऊंगी। और यहाँ पे कली निकली हुई है, वाह कितनी प्यारी सी कली है अभी। एंड गाइस एक अमेजिंग चीज़ आपको दिखाऊंगी जो कि बहुत ही अजीब वो गरीब टाइप का है, पता ही नहीं क्या कैसे है, ये कौन सा प्लांट है जो पीछे बाहर की साइड से उग करके हमारी पूरी वॉल पे छाया हुआ है इस तरह से। एंड इसमें पता है इस तरह से कुछ फ्रूट भी लगे हुए हैं, ये क्या है कैसे है? अगर किसी को पता हो इसके बारे में कि ये कौन सा प्लांट है, इसका क्या नाम है, तो ज़रूर बताना गाइस, क्योंकि हम सब बहुत शौक है। और ये इतने गुच्छे गुच्छे पूरे ऐसे बंच की तरह लगा रहता है। पता है इसमें देखो कुछ ग्रीन भी है और कुछ पक चुका है, ये जामुन के कलर का है ना, कितना खूबसूरत कलर है। और ये जब ज़्यादा पक जाता है ना तो पूरा ज़मीन पे हमारे आंगन में गिरा हुआ रहता है। और इसका कलर देखो, पता है इसको मैं अभी वॉश करूँगी हैंड को ना, तब भी ये छूटने वाला नहीं है, मतलब जैसे पूरा छाप छोड़ जाते हैं अपनी अपने कलर की, है ना। ये देखो गाइस लुक एट माई हैंड, मैंने सोप लगा के इतना रब किया अपने हैंड को, बट फिर भी ये कलर नहीं छूट रहा है। और मुझे एक डर सा लग रहा है यार कि पता नहीं कहीं कोई पॉइजन वगैरह तो नहीं था इसमें। और ये है हमारा पूरा रोज़ प्लांट, आप देख सकते हैं बहुत सारे रोजेज होते हैं यहाँ पे वाइट कलर के और इस तरह से पूरा, एंड फिर कई आपको रेड भी मिल जाएंगे। एंड गाइस यू नो व्हाट, मुझे रेड रोज़ बहुत ज़्यादा वाला पसंद है, आई लव रेड रोजेज। आपको कौन से कलर का पसंद है कमेंट बॉक्स में, उसी कलर का रोज़ कमेंट ज़रूर करना गाइस। एंड क्यारी के आगे आप देखेंगे तो छोटा सा ये वाला प्लांट है, एंड हमने ये मिनी प्लांट रखा हुआ है, मनी प्लांट, मिनी प्लांट, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, बट जो भी बोलते होंगे आप देख के जान ही जाएंगे। कितनी प्यारी प्यारी लीव्स इसकी होती हैं ना शेडेड में जैसे, तो यहाँ पे हम इसको इस चेयर पे रखे हुए हैं। सो गाइज आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाना। आई कम बैक सून विद माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।